तो देखो मॉड फॉर्मूला कैसे काम करेगा, यहां पर जो भी हम देंगे जैसे एमओडी लिख दिया मॉड, मॉड का मतलब ये होता है रिमाइंडर बताना। तो मान लो पहला नंबर है 7, अगर 7 में 7 में 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा? हाँ कितना आंसर आएगा देखो, ये डिवाइड करके देख लो, ये 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, जो शेष बचेगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। तो मॉड फॉर्मूला हमेशा रिमाइंडर बताता है, यानी जो शेष बच जाए भाग देने के बाद वो बताता है मॉड फॉर्मूला, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर। ये हमने वी लुकअप, एच लुकअप और मैच फॉर्मूले को सीखना है। तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं, टोटल करना बहुत आसान है। किससे फॉर्मूला शुरू होता है? इज इक्वल टू से, इज इक्वल टू लगा दिया। हमें जोड़ना है ना कंप्यूटर के मार्क्स को, इंग्लिश के मार्क्स को, बायो के मार्क्स को, हर एक के मार्क्स को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे सम फॉर्मूले की मदद से हम इसको जोड़ देंगे। तो सम फॉर्मूला लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से यहां तक ड्रैग करते हुए चले जाएंगे सेम लाइन में, सेम लाइन में है। आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं, आपको पता है कि इसका सेल एड्रेस क्या है, क्या है इसका सेल एड्रेस? B4। तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए B4 कोलन लगा दीजिए, और ये इसका फिजिक्स का सेल एड्रेस क्या है? F4। तो यहाँ पे F4 टाइप कर दीजिए, बस ऐसे भी करके आप एंटर प्रेस कर देंगी तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ गया है, आ गया ना, यहाँ पर डबल क्लिक करके सबका रिजल्ट आ जाएगा, आ गया। अभी हम ये चाहते हैं कि हम यहां से रिकॉर्ड दूसरे शीट पर फेच कराएंगे, यानी हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे और रिकॉर्ड्स को फेच कराएंगे। कैसे फेच कराएंगे? देखिए वी लुकअप जब भी काम करेगा तो हमेशा लेफ्ट साइड से काम करेगा। ठीक है, मतलब कि जो मोस्ट लेफ्ट साइड में होगा, जहां से आप शुरू करेंगे वहीं से ये काम करेगा। अगर मान लीजिए यहां पर हमको रोल नंबर देना होता तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम, बिफोर दिया है आफ्टर दिया, तो हम बिफोर करेंगे, तो बिफोर करने पर यहां पर एक और जो कॉलम है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कर देते हैं रोल नंबर, ये लिखा रोल और नंबर। यहां पर आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लोन फॉर्मेटिंग हमने आपको बताया था ना, क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है? सेम फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है। तो यहां से इसको ड्रैग करवा के नीचे ले आते हैं। अब यहां पर हम यूज करेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट हमें चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ही हम क्यों ना कॉपी कर लें। तो क्लोन फॉर्मेटिंग यहां पे दिया हुआ है, ये दिख रहा है क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लिक कर दिया और यहां से इसी को चला दीजिए इस पे, देखिए सेम फॉर्मेट में ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए नीचे वाला फॉर्मेट भी आ गया है, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट चाहिए केवल। तो यहां से जाकर के क्लिक किया और फिर इतने दूर में इसको चलाएंगे बस। तो देखिए सेम फॉर्मेट आ गया कि नहीं, इसको मर्ज करना है, यहां से पकड़िए और फिर मर्ज कर दीजिए। यहां पर मर्ज वाला दिया हुआ है, ये देखिए ये। ठीक है, तो क्लिक किया, डबल क्लिक कर दिया, तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया, मर्ज हुआ कि नहीं? अब चूंकि ये साइज बदल गई है तो यहां से बोल्ड कर देते हैं और साइज जो करना है और कलर जो चूज करना है यहां पे चूज करके और साइज भी कुछ बढ़ा लेंगे, यहां से ये बढ़ा लेंगे, जो भी साइज आपको चाहिए यहां से आप कर लीजिए। तो ये जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही है, सारी चीजें आपको सेम वे में दिख रही है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, ठीक है, तो घटा देता हूं जूमिंग ताकि आपको दिखाई दे। तो अब ये दिखाई दे रहा है पूरा पूरा। ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करें और चीजें हमें यहां पे डिस्प्ले हो। तो वी लुकअप जब भी होगा तो लेफ्ट साइड से लुकअप करता है। किस साइड से लुकअप करेगा? लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा हमेशा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब मान लीजिए कि यहां पर किसी स्टूडेंट का नाम है, अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है, यहां पर देखिए ये मेन डाटा है आपका, लेफ्ट साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो हमें रोल नंबर भी लेके आना होगा। तो यहां पर राइट क्लिक करके और आप एक नया कॉलम इंसर्ट करा सकती हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए रोल नंबर। ठीक है, हो गया ना, सेम फॉर्मेट हो गया कि नहीं? अब यहां पर हम इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। तो ये वी लुकअप लगा दिया, इजिली समझिएगा, वी लुकअप लगाया। ठीक है, किधर से स्टार्ट किया है? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से वी लुकअप लगा दिया। वी लुकअप लगाने के बाद कहां जाएंगे? वी लुकअप यहां पर ये दिख रहा है, ये यहां पर हमें किस कौन सा रोल नंबर सर्च करना है ये बताना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर 1 किसका है? राम का है। तो रोल नंबर 1 जो राम का है उनका किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स हमें पता करना है। तो हमने रोल नंबर तो सेलेक्ट कर लिया, तो रोल नंबर यहां पे सेलेक्ट किया, यहां पे सिलेक्शन में आ गया है, दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि यहां पर A4 आया हुआ है और शीट 1 से आया हुआ है, ये शीट 2 पे हम है और शीट 1 पे क्या है, ये कौन सा है, A4 है ना। तो वही चीज यहाँ पे आई हुई है। अब यहां पर लगाना है आपको कॉमा, कॉमा लगा दिया जाए, तो कॉमा लगा देते हैं, ये कॉमा लगा दिया। अगर यही ओपन ऑफिस होता,
ओपन ऑफिस कैल्क होता तो यहाँ सेमी कोलन लगाया जाता, कॉमा नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया हमने। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां से आकर के ये पूरा का पूरा इंडेक्स हमें उठाना है, ये पूरा, न एक भी कम न एक भी ज्यादा, ये पूरा हमने ले लिया। देखिए यहाँ ए के पहले आपको एक एक करके डॉलर लगाना होगा। ये देखिए ये डॉलर फोर नंबर बटन पर मिल जाता है, यहां से ये डॉलर लगा लीजिए, फिर यहां पर जाइए यहां से ये डॉलर लगा लीजिए, फिर यहां पे आइए यहां से ये डॉलर लगाइए, और 11 के पहले भी आपको लगाना है डॉलर, ये डॉलर लगा लिया। अब ये पूरा डेटा फिक्स हो गया। अब यहां से कॉमा देना है, कॉमा देकर के क्या करना है, अब हमें ये समझना है कि हम क्या लेके आना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर का नंबर देखना है कि इंग्लिश का नंबर देखना है, ये तो तय है कि राम का ही देखना है, लेकिन क्या देखना है, टोटल देखना है, क्या देखना है बताइए, कोई एक सब्जेक्ट बताइए, टोटल देखना है कि कंप्यूटर का नंबर देखना है कि क्या देखना है, बायो का देखना है। तो बायो का हमें कॉलम नंबर काउंट करना पड़ेगा, कॉलम नंबर देखिए यहां से 1 2 3 4 5, बायो का कॉलम नंबर क्या है, 5 है ना, तो कॉलम नंबर 5 है, ध्यान दीजिएगा बायो का कॉलम नंबर क्या है, 5 है। तो यहां से चलते हैं यहां पर, और यहां पर हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर की बात करेंगे। तो यहां पे कॉलम नंबर 5 हो गया, कॉमा देंगे, और यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देते हैं, जरूरी नहीं, ठीक है। तो आसपास के रिजल्ट को ना लेकर के आना है हमें, हम अगर ऐसा नहीं चाहते कि हम आसपास का रिजल्ट लेके आए, तो हम यहां पे 0 देंगे, क्या देंगे, 0 देंगे। तो इसीलिए हम यहां पे कॉमा देकर के 0 दे रहे हैं, ठीक है। इसको बंद करेंगे और अब हम प्रेस करेंगे एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो यहां पर रोल नंबर वाले कॉलम में देखिए 59 आया हुआ है, राम का क्या बायो में 59 मार्क्स है, ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार चेक करते हैं। तो यहां पर आ गए हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं। अब ये राम है देखिए, और इनका बायो में मार्क्स देखिए, ये है बायो, 59 मार्क्स है कि नहीं है, है ना। तो वी लुकअप फॉर्मूला ऐसे काम करता है, समझ में आ रही है बात। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पर आते हैं वापिस से, ठीक है। यहां पर तो रोल नंबर, अब मान लीजिए अगर रोल नंबर दिया हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पे 1 दिया हो, यहां पे 2 दिया हो, यहां पे 3 दिया हो, स्टूडेंट के नाम भी अगर दिए हो जैसे 2 पर, तो ये स्टूडेंट का नाम तो हमारे पास आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक बार में पूरी डिटेल लेकर के आए, पूरी डिटेल, ठीक है। तो पूरी डिटेल लेकर के आने के लिए, अच्छा ये बताइए हर बार हमें कॉलम नंबर लिखना पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर का नंबर देखना है तो यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप इस तरीके से, ये वी लुकअप लगा दिया, वी लुकअप लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहीं से हमें डेटा को लुकअप करना है, यहीं से करना है ना, यहाँ पे देखिए यहां पर भी तो सेम दिया हुआ है ना, तो अगर यहां से करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे 1 को, ठीक है। फिर 1 को सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद पूरा का पूरा क्या चाहिए हमें, पूरा ये हमें पूरा ये डिटेल चाहिए, तो ये पूरा ही हम सेलेक्ट कर लेंगे, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, ठीक है। इसको फिक्स करना हो तो फिक्स कर सकते हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं, कॉमा देते हैं, ठीक है। कॉमा देने के बाद क्या करेंगे, कॉमा देने के बाद अब हमें ये जानना है कि हम कौन से सब्जेक्ट का नंबर चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर चाहिए आपको कंप्यूटर का तो काउंट करिएगा, तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर भी इंसर्ट करा दिया है, तो ये 1 हो गया रोल नंबर, ये 2 हो गया। अगर कंप्यूटर को चाहिए तो कंप्यूटर कौन से कॉलम में है, तीसरे कॉलम में है, तो आपको 3 लिखना पड़ता। अगर इंग्लिश का चाहिए हो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो इंग्लिश का चाहिए तो 4 हो जाएगा, अगर बायो का चाहिए तो 5 हो जाएगा, केमिस्ट्री का चाहिए तो 6 हो जाएगा, फिजिक्स का चाहिए तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम नंबर है, अगर टोटल चाहिए तो क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीके से जोड़ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस बार हमें किसका चाहिए, यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा कर्सर कहाँ पे है, कंप्यूटर का चाहिए, तो कंप्यूटर के लिए कौन सा कॉलम नंबर है, गिनिए काउंट करिए 1 2 3 3 है ना, तो यहाँ पे केवल आपको 3 लिख देना है। तो हर बार कॉलम नंबर हमें लिखना पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ही देते हैं, तो इसको बंद कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ देखिए 38 है, क्या देखना पड़ेगा हमें, 38 है, राम का 38 आया हुआ है, ठीक है, ये हो गया, समझ में आ रही है बात। तो ये हर बार हमें देना पड़ रहा है कॉलम नंबर, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम कॉलम नंबर ना दें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैच क्या काम करता है, ये आपको रो नंबर या कॉलम नंबर की जानकारी प्रोवाइड करता है, देता है, कैसे देता है आइए देखते हैं। यहां पर इज इक्वल टू मैच लगा लेते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में किससे शुरू होता है, इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे मैच, ये लगा दिया मैच, ब्रैकेट को ओपन किया, और अब यहाँ पर क्राइटेरिया कह रहा है, सर्च क्राइटेरिया, किसको आप सर्च करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूँ, लाइक
मान लीजिए बायो ले लेते हैं, तो बायो का हमें पता करना है क्या, कॉलम नंबर, क्योंकि ये तो कॉलम ही है, तो यहां पे कॉमा देंगे और यहां से ये बायो का नंबर ढूंढना है, बायो का कॉलम नंबर पता करना है, तो कहां पे बायो का कॉलम नंबर है, यहीं पे है ना। अगर हम इस पूरे डिटेल को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से, देखिए इसी के अंदर बायो का कॉलम नंबर मिलेगा ना, कॉलम नंबर तो इसी में मिलेगा, तो इसी को हमने सेलेक्ट कर लिया। पूरा नहीं सेलेक्ट करना आपको, आपको केवल हेडिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो यहां पर आप डॉलर लगा दीजिए, ये सही तरीका है, ठीक है। और फिर यहां पर आइए और यहां पर डॉलर लगा दीजिए, फिर यहां पर आइए तो यहां पर डॉलर लगा दीजिए, तो ये पूरा फ्रीज कर दीजिए रो और कॉलम को। एच क्या है, कॉलम है, थ्री क्या है, रो है, ठीक है। तो यहां पर आप कॉमा दे देते हैं। अब कह रहा है कि लुकअप एरे आपने दे दिया, अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है, एग्जैक्ट मैच चाहते हैं कि अप्रॉक्स मैच चाहते हैं। तो हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीरो लिख दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे फोर आ रहा है, फोर से क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे देखो ये वन है, ये टू है, ठीक है। हम किसका पता कर रहे थे, बायो का ना, तो ये थ्री है और ये क्या है, फोर है ना। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहां पर सीट नंबर टू पे आते हैं, ठीक है। यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, केमिस्ट्री सब सारा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, वापिस से आएंगे यहां पर, टोटल टोटल का कॉलम नंबर पता करेंगे। कैसे पता चलेगा टोटल का कॉलम नंबर क्या है, जैसे मान लो हर बार काउंट तो नहीं कर सकते, हर बार काउंट कर करके पता करना हो तो फिर सॉफ्टवेयर बनाने का फायदा नहीं होता है। तो मैच फॉर्मूला आपको काउंट करके बताएगा। देखिए यहां पर लगाइए मैच, MATCH मैच लगा दिया हमने, और मैच लगाने के बाद ये ध्यान रखना है कि आपको टैब बटन नहीं प्रेस करना है। एक्सेल जो लोग यूज करते हैं वो अक्सर टैब प्रेस कर देते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में टैब नहीं चलेगा। ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये टोटल का कॉलम नंबर हमें पता चल जाए, तो टोटल को सेलेक्ट कर लिया भाई, टोटल यहां पर भी वही दिया हुआ है, यहां से टोटल सेलेक्ट कीजिए इसको, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा पूरा डेटा है। तो इस वाले सीट से हम क्या करेंगे, टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद क्या करना है, हमें ऊपर का जो ये हेडिंग है इसको सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। कर लिया, पूरा हेडिंग सेलेक्ट हो गया। अब क्या करना है, फ्रीज करने का काम करना है, इसको फ्रीज कर दिया जाए। पहले एच को फ्रीज करें यानी डॉलर लगा दें, ठीक है, फिर थ्री के पहले डॉलर लगा दें, ठीक है, फिर यहां पर बी के पहले डॉलर लगा दें, बी के पहले भी लगाना पड़ेगा ना, तो ये बी के पहले लगा दिया, थ्री के पहले लगा दिया, लगा दिया यहां पे एच के पहले लगा दिया, फिर थ्री के पहले लगा दिया। तो इस तरीके से इसको फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये फ्रीज हो गया, अब फ्रीज हो गया तो फिर कॉमा दे दो। अब हमें किसका पता करना है बताइए, टोटल का। तो बस यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं, जीरो लिख देते हैं, बंद करते हैं ब्रैकेट को, एंटर करते हैं। यहाँ पे सात है, काउंट करिए, एक दो तीन चार पांच छह सात, ये तो बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से जिसका भी आपको पता करना हो इजिली पता कर सकते हैं, इजिली। यहां पर हम आपको एक बात और क्लियर करते चले, यहां पर हमने रोल नंबर को नहीं इंक्लूड किया इसमें, रोल नंबर लिखा जरूर है हमने इसमें, लेकिन इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी रो है या बहुत ज्यादा कॉलम है, तो आपको करना क्या है, जो भी रो या कॉलम है उसको पूरा, जैसे मान लीजिए ये हमने कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूं, यहां से नेम ऑफ स्टूडेंट को और ये इस तरीके से ये इनको कॉपी कर लेता हूं, इतना चीज, ठीक है, ये कॉपी किया और यहां पे लाके इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां पे, ठीक है। अब यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास है और कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट है और राम जो दिया हुआ है नाम उसका क्या है, नाम भी दिया हुआ है। तो यहां पे अब फिर मैच लगाते हैं, मैच बहुत इजी कर देता है हमारे टास्क को, जबकि हम वी लुकअप या इंडेक्स या इस तरह के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, ठीक है। अब ये देखो ये मैच हो गया। अब राम हम किसको सर्च करना चाहते हैं, अब मान लो इस बार हम रो नंबर सर्च करना चाहते हैं, रो नंबर समझ रही हो ना, ये देखो ये वन टू थ्री, ठीक है। तो इस बार हम राम का रो नंबर सर्च करना चाहते हैं, राम को सेलेक्ट कर लिया, चाहे यहां से सेलेक्ट करो, चाहे यहां से सेलेक्ट करो या यहां से सेलेक्ट करो, बात बराबर है, ठीक है। कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद क्या करेंगे, कॉमा देने के बाद राम कहां मिलेगा आपको, यहीं पे कहीं मिलेगा ना, इसी में, तो इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसको फ्रीज कर दो, फ्रीज करने का तरीका मैंने बताया इस तरीके से, है ना, ये हो गया। फिर
ये हो गया, फिर ये हो गया, हो गया ना, फिर कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद क्या करना है, यहां पे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देना है, बंद करो, एंटर कर दो। ये बता रहा है कि राम जो है रो नंबर टू में है, रो नंबर टू है कि नहीं राम का। देखो यहां पर भी देखो, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है कि नहीं है, है ना। अब मान लो यहां पर राम का नहीं चाहिए तो राम को हटा दो, डिलीट कर दो। किसका चाहिए, यहां पे एनए एरर आ जाता है, जब हटा दोगी तो एनए एरर आ जाएगा। एनए का मतलब है नॉट एप्लीकेबल, वैल्यू इसको नहीं मिल रही है। पर हम स्टूडेंट का नाम चेंज करेंगे, ठीक है। किस सब्जेक्ट का मार्क्स हमें पता करना है, कंप्यूटर का। तो मान लो अभी हमने सोहन को कॉपी किया और यहां पर सोहन का नाम ला करके रख दिया, ये देखो। तो सोहन का, तो यहां पर सोहन जो है, सोहन का जो फाइव है तो ये यही बता रहा है, ठीक है। जब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओगी तो ये पूरा बता देगा नंबर, कैसे बताएगा, देखो यहां पे इसको हटाते हैं, देखो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओगे, वी लुकअप, ठीक है। अब यहां पर आ गए, अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले लुकअप करना है। तो मान लो सोहन को लुकअप करना है, सोहन कॉमा दे दिया, कॉमा देने के बाद ये पूरा टेबल एरे ले लेंगे, ले लिया टेबल एरे। फिक्स करना है तो फिक्स भी कर लेंगे, यहां पर चल के यहां से फिक्स करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो, ये बी को यहां से फ्रिज कर देते हैं, इसको यहां से फ्रिज कर देते हैं, ठीक है, यहां से इसको फ्रिज कर देते हैं और थ्री को भी फ्रिज कर देते हैं, और फिर यहां पर एच को फ्रिज कर देते हैं, और फिर यहां पे इलेवन को भी क्या करते हैं, फ्रिज कर देते हैं। तो ये फ्रिज कर दिया हमने पूरा, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, जीरो। अभी कहां जीरो दोगी, कॉलम नंबर बताना पड़ेगा ना, कॉलम नंबर बताओगी ना, कौन सा कॉलम नंबर है, फाइव है, कंप्यूटर का कॉलम नंबर पूछ रहा है, ये टू है ना, तो यहां पे टू दोगी। अगर कॉलम नंबर ना मालूम हो तब क्या करोगी, तब हमने आपको बताया था मैच का फॉर्मूला, तो एम ए टी सी एच मैच लगा दो, ये अपने आप कॉलम नंबर ढूंढ लेगा। मैच में क्या होगा, कॉलम नंबर किसका पता करना है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लो, कॉमा दे दो, कहां पे है कंप्यूटर, कंप्यूटर कहां मिलेगा, इसी में कहीं मिलेगा ऊपर, यही है ना, ये हेडिंग केवल सेलेक्ट करना, हमको सेलेक्ट कर लिया। फ्रिज करना है, फ्रिज कर देंगे, कहां पे जाके फ्रिज करेंगे, ये देखो ये आए यहां पे, यहां पे इसको फ्रिज कर देते हैं। किसको किसको फ्रिज करेंगे, देखो ये बी थ्री को फ्रिज करेंगे और एच थ्री को फ्रिज करेंगे, तो ये बी को फ्रिज कर दिया। अब इधर आएंगे, थ्री को फ्रिज कर देंगे, अब एच को फ्रिज कर देंगे, यहां पे जाके डॉलर लगाने से फ्रिज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, फ्रिज कर दिया, कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद क्या करना है, अब जीरो दे देना है, ठीक है, बंद कर देंगे। अभी मैच का फॉर्मूला पूरा हुआ है, वी लुकअप का फॉर्मूला, कॉमा देने के बाद फिर जीरो देंगे तब पूरा होगा। ये पूरा हो गया, अब एंटर कर दो। अब यहां सोहन का कंप्यूटर में 36 नंबर है, 36 है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। ये सोहन है, कितना नंबर है, 36 है ना, देखो है कि नहीं, क्लियर। अगर मान लो सोहन का हमें टोटल देखना था, कंप्यूटर का मार्क्स नहीं देखना था, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पे जाना है, कंप्यूटर जो लिखी हो इसको हटा दो, उसके जगह लगा दो टोटल, इसी को कॉपी कर लेते हैं, या आप लिख भी सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो सोहन का 227 नंबर है, क्या सही बात है कि नहीं, चेक किया जाए। तो यहां पे आते हैं और ये सोहन का नंबर है, तो देख लो 227 नंबर है सोहन का, है कि नहीं, देखो है ना। तो ये इस तरीके से काम करेगा, मैच फॉर्मूला और वी लुकअप फॉर्मूला, समझ में आया। अब समझ लेते हैं एच लुकअप क्या काम करता है। एच लुकअप हॉरिजॉन्टली लुकअप करता है, वी लुकअप हमेशा किधर से लुकअप कर रहा है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। एच लुकअप क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा। हम वी लुकअप में क्या ले रहे हैं, हम हमेशा रो की बात, पहले हम रो को उठा रहे हैं, साइड से हम रो को उठा रहे हैं, अब वी लुकअप में साइड से कॉलम को। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, देखिए यहां पर एच लुकअप करेंगे, एच लुकअप, लुक अप, ये हो गया एच लुकअप हो गया। अब यहां पे कह रहा है सर्च क्राइटेरिया, किसको सर्च करना है, तो इस बार हम कहेंगे ना, हम कॉलम नंबर कौन सा है गिनो, एक दो तीन चार पांच छह सात। एच लुकअप हमेशा रो को काउंट करेगा, किसको काउंट करेगा, रो को काउंट करेगा। एच लुकअप क्या काम करेगा, रो 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 को काउंट करेगा। जैसे मान लो यहां पर फिर से हम लगा के दिखा रहे हैं, एच लुकअप लगाया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे साइड से, ये ले लिया, मान लो कंप्यूटर ले लिया, टोटल भी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, पूरा डेटा, ये कॉमा देने के बाद क्या कहेंगे, अब ये रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है, रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है,
ध्यान दो यहां पर क्या कह रहा है ये, इंडेक्स नंबर मांगेगा तो हम कॉलम काउंट करके बताते थे, इसमें क्या काउंट करके बताएंगे, रो काउंट करके बताएंगे कि किसका हमें पता करना है। तो यहां से काउंट करो, एक दो, अगर राम का पता करना है तो यहां पे दो लिख दोगी, ठीक है, दो लिख करके कॉमा दोगी, जीरो दोगी। क्या पता करना था बेटा, हमने C3 को सेलेक्ट किया था, C3 कहां है, ये एक दो तीन, कंप्यूटर C3 में है, हाँ C3 में है, तो कंप्यूटर का पता करना है तो राम का कंप्यूटर में कितना है, 38 आया हुआ है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो फिर से मैं लगा के दिखाता हूं, एच लुकअप कर दिया, एच लुकअप ये लगाया, और ये लगाने के बाद अब मान लो कि टोटल पता करना है, तो टोटल को सेलेक्ट किया, कॉमा दिया, यहां पर पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। अब मान लो कि इस बार हमें सुरेश का पता करना है, सुरेश किसका पता करना है, सुरेश का, ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, गिन करके 11 देंगे, यहां पे 11 दे दिया, कॉमा देंगे, जीरो देंगे, क्यों 11 दे रहे हैं, क्योंकि नहीं यहां से काउंट करो, यहां से ऊपर से नहीं काउंट करोगी, यहीं पे तो मिस्टेक हो जाएगी। देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नाइन होगा ना, 11 कैसे हो जाएगा, ये हो गया, यहां पे जीरो दे दोगी, एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करोगी, 180 है कि नहीं, है ना, सुरेश का 180 है जी, देखो ना क्या है, दिख रहा है 180 है ना, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल वो भी आ सकता है, कैसे आएगा, अगर एक ही बार में पूरा डेटा फेच कराना हो तो उसके लिए भी आसान तरीका है, क्या करना है देखो, सबसे पहले यहां पे लगाएंगे हम क्या, वी लुकअप लगाएंगे, क्योंकि वी लुकअप की ही बात कर रहे हैं, एच लुकअप तो अभी हमने समझा है, तो यहां पे इज इक्वल टू लगा लिया, फिर लिखेंगे वी लुकअप, इस तरीके से लगा दिया वी लुकअप। अब वी लुकअप लगाने के बाद क्या करना है, हमें साइड से लुकअप करना है, तो ये हम रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखना है, और रोल नंबर को सेलेक्ट करना, आप रोल नंबर यहां से भी ले सकते हैं, ये जो सीट वन पे डेटा है आप यहां से भी जा सकते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए ये यहां से शुरू है डेटा हमारा, तो यहां पे रोल नंबर वन सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो शीट नंबर टू पे देखिए ये सिलेक्शन में आया हुआ है, तो इसको फ्रीज करना है, ये जो है ना ये डेटा हमें फ्रीज करना यानी फिक्स करना पड़ेगा, तो यहां से डॉलर लगा करके फिक्स कर लेते हैं, ये हमने इसको फिक्स करा, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहां से शीट वन पे आना है और ये पूरा का पूरा डेटा हमें कर लेना है सेलेक्ट, कुछ इस तरीके से ये पूरा डेटा हमने कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहां पर एक एक चीज को फ्रीज करिए, पहले ए को फ्रीज किया, फिर थ्री को फ्रीज किया, फिर यहां एच को फ्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर 11 को भी कर देंगे फ्रीज, ठीक है, तो ये 11 भी फ्रीज हो गया, 11 को फ्रीज करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहां पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ये कॉलम्स हो गया, कॉलम्स लगाने के बाद क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट और कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसके पहले हिस्से को फ्रीज करना है, तो यहां से फ्रीज किया और फिर यहां से फ्रीज किया, ठीक है, ये फ्रीज करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा देना है, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दे देना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है, तो यहां पे राम आ गया है, देख सकते हैं यहां पे राम आ गया। अब यहां पे आप इसको ड्रैग करवाते हुए चले जाइए, टोटल तक आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, देखिए पूरा डिटेल आ गया कि नहीं, टोटल तक आया, क्लियर है। अब एक बार चेक करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं कि ये सही आया है कि नहीं, तो देखिए राम का कंप्यूटर में 38 और इंग्लिश में 14 है, तो यहां पे 38 और 14 ही दिखाई पड़ रहा है, बायो में 59 और केमिस्ट्री में 25, तो बायो में देख सकते हैं 59 और केमिस्ट्री में 25 है, 23 फिजिक्स में है और 159 है आपका टोटल, 23 फिजिक्स में है और 159 है टोटल, तो कुछ इस तरीके से आप एक बार में लेके आ सकते हैं। तो सारी चीजें एक वीडियो में क्लियर हो गई होंगी, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।